हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियोनिक व्लॉग्स एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। न्यू सीरीज़ जो चल रहा है वो है वेडिंग सीरीज़। जैसे कि आपने पिछला व्लॉग अगर नहीं देखा तो उसे भी जाके देख लो, पता चल जाएगा आपको। मेरे जो बुआ सास है उनके बेटे की है शादी, दैट मींस कि मेरे जेठ जी / देवर जी की है शादी। और दोनों मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि निक के साथ में जो उनका डिफरेंस है वो ज़्यादा मतलब कम ही मंथ्स के हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एज का। दैट्स वाई मैं अभी खुद ही कन्फ्यूज़ हूँ जेठ जी है या देवर जी है, बट स्टिल वो बड़े हैं तो जेठ जी ही कंसिडर कर लेते हैं उनको। तो घर की शादी है, बहुत ज़्यादा जैसे 2-3 दिनों से एक्साइटमेंट हो रहा है और फंक्शंस भी हम अटेंड कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत मज़ा आ रहा है। तो आज जैसे कि है 5 मई और काम वाम से फ्री होने के बाद में मैं फटाफट से घर पे आ गई थी और फिर मैंने रेस्ट लिया और नहा भी लिया था मैंने आकर के, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मौसम का पता ही नहीं चल रहा दिल्ली का, कभी सर्दी कभी गर्मी ऐसा हो रहा है मौसम। आज जैसे धूप थी तो थोड़ा सा मतलब उसके बाद मैंने लिया रेस्ट। अब मैं फटाफट से रेडी होने वाली हूँ मेहंदी के फंक्शन के लिए। आज है मेहंदी का फंक्शन और जैसे कि वहाँ पर भी अभी टाइम 8 बज रहे हैं, आ गए होंगे और आ रहे होंगे और फंक्शन स्टार्ट होने वाला होगा या हो चुका होगा मुझे नहीं पता। तो फटाफट से मैं तैयार होके जाने वाली हूँ और आज आपके साथ मैं कुछ ये मोमेंट्स शेयर करने वाली हूँ आज के फंक्शन के। और पिछला व्लॉग भी अगर आपने नहीं देखा, एंगेजमेंट था वो उनका, तो वो भी जाके ज़रूर देख लेना चैनल पे और वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड तक देख ही लोगे तो। और चैनल पे मैं न्यू आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और हाँ, जैसे कि आपको पता ही है घर पे अगर इस तरीके से सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता, कोई ना कोई सेलिब्रेशन होता है तो थकावट कितनी ज़्यादा होती है, काम के साथ में सारा मैनेज करना कितना ज़्यादा है। गला भी मेरा थोड़ा थोड़ा ख़राब हो रहा है, मतलब सो भी हम बहुत ही कम पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा रात बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब लेट नाइट सोना जल्दी उठना इस तरीके से चलता जा रहा है, ठीक है। तो गाइस बने रहिए आज के इस व्लॉग में। तो अभी जैसा कि ये प्लान हुआ है कि मैं और मेरी सासू मॉम दोनों के दोनों चले जाएंगे, मम्मी और मैं चले जाएंगे वहाँ पर अटेंड करने के लिए। निक अभी स्टिल ऑफिस में है, वो अभी नहीं निकला है, फ्री नहीं हो पाया काम से, तो वो आएगा। और वैसे में भी लेडीज़ लोगों का संगीत एंड मेहंदी का फंक्शन है तो वो बाद में आएंगे, अटेंड करेंगे बाद में, तो पहले हम चले जाएँगे। गाइज मैंने निकाला है ये वाला आउटफिट एंड ये आउटफिट मुझे गिफ्ट किया था निक ने और करवा चौथ पे, करवा चौथ में मैंने ये वाला आउटफिट पहना था, इसके साथ ऐसा बेल्ट भी है। सो गाइज आई एम रेडी। तो मैंने आप देख सकते हैं ये पहना है गाउन बोल सकते हैं, ठीक है, इसके साथ चुन्नी भी है और इस तरीके से बहुत लाइट मेकअप करा है। इवन मेरे को ना आज लाइनर लगाने का भी मन नहीं था, आधा लाइनर लगाया है। ऐसा भी कोई डिज़ाइन होता होगा लाइनर में, मुझे इतना मेकअप का बहुत नॉलेज नहीं है बट मुझे करना बहुत पसंद है। बट बहुत सिंपल मैंने मतलब मेकअप करा और इस आउटफिट के साथ समझ नहीं आ रहा था पहले कि पिंक लिपस्टिक लगाऊँ या रेड लिपस्टिक लगाऊँ, मैंने न्यूड शेड लगा दिया, पता नहीं कितना आ रहा होगा वीडियो में अच्छे से। तो लेंस भी पहन रखे हैं मैंने ग्रीन, और हाँ इसके साथ मैंने ये वाली झुमकी पहन ली, आई थिंक अच्छा लग रहा है। इसके साथ मैंने ये वाली झुमकी पहन लिया है, दिस इज़ माई टूडेज लुक। तो गाइज ज़रूर बताना कमेंट करके कैसा लग रहा है। अभी मैं फटाफट से चली जाऊँगी, मम्मी को भी देखना है वो तैयार हुई है या नहीं, हम दोनों फिर साथ में भी निकलने वाले हैं, यही प्लान हुआ था। सो गाइज मैं पहुँच चुकी हूँ, यहाँ सबकी मेहंदी आधे की लग गई है, अब लग रही है, ये रही हमारी इंदू जी सुमन और सॉरी मैं इंदू और सुमन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ, सॉरी सॉरी फॉर देट। ये रही हमारी सुमन जी, अब तो ठीक है ना, ठीक है, देख सकते हैं आप उनकी लग रही है डिज़ाइन, में सामने से दिखा देती हूँ। और साथ ही मैं यहाँ पर बुआ बैठे हुए हैं, दी बैठे हुए हैं, ये रही एक और दीदी बैठी हुई है। हेलो बोल दो मेरी वीडियो में, हेलो बोल दो, जोर से बोलना हेलो, हाय हाय हाय। अच्छा मैं आपको मिलाती हूँ हमारे ग्रूम से, ये रहे हमारे ग्रूम जिनको हल्दी लग गई है आज मॉर्निंग में, जो कि मैंने मिस करा है, निक ने भी मिस करा है। कैसा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा आप अपना बताओ फीलिंग, अभी फीलिंग फीलिंग समझ में नहीं आ रहा हो क्या गुड, बाद में समझ आ जाएगा दो दिन के बाद, दो दिन के बाद तो अब मैं लगाने वाली हूँ थोड़ी देर में मेहंदी, जब मेरा नंबर आएगा तब मैं लगाऊंगी मेहंदी। अभी मम्मी भी आने वाली है और बच्चे, बच्चा पार्टी कहाँ गया, बच्चा पार्टी इधर आ जाओ मेरे ब्लॉग में हेलो बोलने के लिए आ जाओ।
हमारा जो है डिनर वो है पनीर की सब्जी, देख सकते हैं आप, मुंह में पानी आ गया होगा देख के, हलवा एंड आलू की सब्जी, और यहाँ है ऑब्वियसली पूड़ी। ओके, सुमन दीदी से, इंदु दीदी से मिलवाना भूल गई थी। देख सकते हैं, हाय बोल दो। हाँ, इनकी भी स्टार्ट हो गई है मेहंदी लगना। नमस्ते। लेट वालों के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, जो बोलना है बोल सकते हो आप वीडियो में। मामा बहुत लेट आए हैं। हाँ, हमेशा ऑलवेज लेट की खातिरदारी होनी चाहिए। हमेशा की तरह लेट। यहाँ पर हमारे पिंटू भैया भी तैयार हो रहे हैं, अभी कुछ ना कुछ धमाका होने वाला है, वो भी धमाका होने से पहले वाला जो सन्नाटा है ना, ये वही है। सो यहाँ धमाका स्टार्ट हो गया है। लाइट आ रही है पीछे। वहां से मना हो रहा है। शुरू करो, थोड़ा थोड़ा करके करो। ये रहे दूल्हे, वो देखिए उनकी हालत देखिए। क्या बात। ये दूल्हे हम यहाँ पर सारे इच्छाधारी मोर। थोड़ा सा तेज कर दो, मजा आएगा। वाह, वेरी नाइस। एक एनाकोंडा और एक वही। ओए, इच्छाधारी नागिन भी आ गई, इच्छाधारी नागिन भी आ गई, अब इच्छाधारी नागिन भी आ गई है। नाइस।
ओ भाई गिरा मत दियो, गिरा मत दियो। तुम क्या कर रहे हो इतनी रात को? ये मेहंदी लगवा रही हूँ। क्यों? क्योंकि आज मेहंदी नाइट है। ये चौड़ाल वाला मुंह क्यों बना रखा है? कितने बज रहे हैं? 9:15। गाइस मैं 9:15 बजे मेहंदी लगवा रही हूँ, आज मेहंदी नाइट है, तो आप देख सकते हैं मेरी मेहंदी का डिजाइन दिखा दीजिए और आप इनको भी देख लीजिए वीडियो में। ये भाभी है हमारी, ये भाभी है हमारी नेहा भाभी, एंड इनकी बुकिंग्स भी होती है। ये भी प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट है और मैं इनका नंबर भी आपको दे दूंगी। नंबर दे सकती हूँ आपका पर्सनल वाला? ठीक है, अच्छे से दिखा दो। अभी लगने के बाद हम बाकी कंप्लीट दिखाएंगे। बताओ गाइस कैसा लग रहा है आपको मेरी मेहंदी का डिजाइन? और वहाँ भी चल रहा है कुछ, दिखाओ। ये प्रियंका का देवर, ये जेठ जी जो लगा रहे हैं, ये जेठ जी भाई लगा रहे हैं। चल चल दिखा दे, ये पुरानी वाली पहचान लेंगी सारी। मेरा पार्ट टाइम बिजनेस है। अब दूल्हा, दूल्हा दूल्हा बेचारा डिप्रेशन में है। मम्मी डिजाइन, मम्मी कह रही नहीं नहीं, नो कमेंट्स। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। आप शर्माओ ना थोड़ा। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे उगरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना। दूल्हा जी आपके लिए है, दूल्हा जी आपके लिए। इतना प्यार से गा रहे हैं हम लोग। रखना डोली सजा के रखना। आई नहीं तो यार अब तो। ये रही दी, मैं तो दीदी नहीं हूँ दी। बाद में हम लोग ये मोमेंट्स देख देख के इस व्लॉग में बहुत ज्यादा मिस करेंगे और बहुत मजा आ रहा है। 2 बजने वाले हैं, स्टिल देखो हम लोग इस तरीके से बैठे हुए हैं, मस्ती मार रहे हैं। टाइम का कुछ आता पता नहीं, ना काम का आता पता, ना टाइम का आता पता। इतने नल्ले बैठे हुए हैं इस टाइम पे हम लोग। आदत ना पड़ती, बस अब बस 2 दिन रह गए हैं, उसके बाद सारी मस्ती खत्म। 2 दिन की जिंदगी मिली हुई है हमें, अच्छे से जी लेंगे, फिर दोबारा काम काज में घुस जाना है। हो चुका है ये वाला, अभी कंटिन्यू चल रहा है। रात के बज रहे हैं अभी 3। भाई दिल नहीं होना ढंग से। रात के 3 बजे तक मैंने बैठ के मेहंदी लगाया है और ये सिर्फ और सिर्फ मतलब पॉसिबल हुआ है नेहा दीदी की वजह से। थैंक यू सो मच दीदी। अब मैं कल फ्री। बाय भाभी, चलो सेल्फी मोड पे आओ निक। चलो तुम गाड़ी भी। इसी के साथ में हमारा ये मेहंदी व्लॉग एंड होता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। आप सब ने मेहंदी नाइट कितना एंजॉय किया बता दीजिए, बहुत ज्यादा एंजॉय किया। तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा दीजिए, बहुत सारा इसकी मेहंदी, बहुत सारी व्यूज चाहिए। वायरल कर देना, बैक्टीरिया वायरल सब कर दो। सो बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टाटा, सी यू, कल मिलेंगे। बाय बाय, ऐसा बोलते हैं।